हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने LG K42 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप जो है स्क्रीन पिनिंग सेटिंग को इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी ऑन कैसे कर सकते हैं, और ये स्क्रीन पिनिंग सेटिंग जो है इनेबल करने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको जो है ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी के इस ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको सिक्योरिटी के इस पेज में ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये स्क्रीन पिनिंग का, ठीक है। स्क्रीन पिनिंग पे सिलेक्ट करना है। अब आपने स्क्रीन पिनिंग के इस पेज में ऑफ के सामने की ये बटन दे रखा है, इस बटन को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये बटन आपका ऑन हो जाएगा, यानी कि आपकी स्क्रीन पिनिंग सेटिंग इनेबल हो जाएगी, ठीक है। अब ये स्क्रीन पिनिंग सेटिंग इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो किसी भी ऐप को आपको ओवरव्यू कर लेना है। इस तरीके से ओवरव्यू कर लेंगे तो आपको जो ऐप का आइकन होता है ना, इस पर आपको टैप करना है तो एक पेज ओपन होगा। इस पेज के अंदर आपको पिन का ऑप्शन मिलेगा, पिन पे सिलेक्ट करना है तो आपकी ये स्क्रीन इस पिन का पॉपअप आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इसे बॉटम साइड पर आपको इसे गॉट इट कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका स्क्रीन जो है पिन हो जाएगी, जो भी एप्लीकेशन आपने ओवरव्यू की थी वो आपकी एप्लीकेशन पिन हो जाएगी। पिन होने से क्या होता है ना, उस एप्लीकेशन से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन उस एप्लीकेशन के अंदर जो है पेज के आगे और पेज के पीछे किसी भी ऑप्शन में जा सकते हैं। जैसे मैं ये देखिए, मैंने इस सेटिंग के ऐप को मैंने पिन कराया तो अब ये मैं बैक पेज पे जा सकता हूँ। ये देखिए मैं बैक पेज पे आ गया, ठीक है। अब मैं किसी भी पेज के अंदर भी चला जाऊँगा, ये देखिए इस पेज के अंदर भी आ गया, ठीक है। किसी भी ऑप्शन के अंदर मैं आगे या पीछे जा सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। किसी भी अब लेकिन अगर मैं इस एप्लीकेशन से बाहर निकलने की सोचूँ तो देखिए मैं बैक करता हूँ तो ये बैक नहीं जा रहा है, यानी कि इस एप्लीकेशन से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो ये देखिए कोई सा ही बटन दबाऊंगा ना, ये काम नहीं करेगा, ठीक है। मतलब ये है कि किसी भी ऐप को अगर आप पिन करते हैं ना, तो उस ऐप के अंदर आप आगे पेज पर पीछे पेज पे जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उस ऐप से बाहर नहीं निकल पाएंगे। बाहर निकलने के लिए आपको ये जो क्या करना है, ये जो आपका मोबाइल फ़ोन का पहला बटन और ये तीसरा बटन, ये दोनों को है ना मिडल वाला छोड़ के दोनों बटन को एक साथ दबाना है, ठीक है। तो आपका फ़ोन जो है स्क्रीन लॉक पर चला जाएगा और आपको अपने मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन लॉक एंटर करना है और इसे राइट क्लिक करेंगे तो आपका वही एप्लीकेशन का पेज आ जाएगा, ठीक है। अब आप बैक करेंगे या कोई सा ही बटन दबाएंगे ना, आप एप्लीकेशन से बाहर निकल जाएंगे। ये देखिए मैं बैक बटन दबाता हूँ, ये देखिए हम बाहर निकल चुके हैं। क्या होता है ना, दोनों बटन दबाने से हमारा ऐप जो होता है वो अनपिन हो जाता है। पहले हमने पिन किया फिर वो अनपिन हो गया। जायत्री ये सेटिंग हम ना बच्चों को फ़ोन दे देते ना, तो गेम का या कोई भी यूट्यूब वगैरह चलाते हैं वो, कोई सा भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं बच्चे, तो उनको पिन करके दे दीजिए, वो उस एप्लीकेशन से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। बाहर निकल के कई बार क्या होता है ना, सेटिंग हमारी गड़बड़ा देते हैं वो, इसीलिए हम जो है ना स्क्रीन पिनिंग का यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी और भी तरीके में यूज़ में ला सकते हैं इस सेटिंग को, ठीक है।